क्योंकि तो अभी शुरुआत हुई है और फर्स्ट डे शायद 40 किए थे इन्होंने, सेकंड डे 86 86, तो आज भी कुछ आए हैं 30-40 के आसपास। मतलब शुरू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारे ट्रेनिंग करके आए हुए हैं लोग, और मतलब ये एक खुशी की बात है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आरटीपीसीआर की वायरल लैब जो है, इसको बेसिकली वायरल लैब कहते हैं, और भी वायरसेस की टेस्टिंग हो सकती है, तो ये वायरल लैब जो है शुरू हो गई है सर अकेडमिक ब्लॉक में, कॉलेज जो है ना अकेडमिक ब्लॉक जहाँ नीचे है, जो अभी मेकशिफ्ट कॉलेज बनाया हुआ है वहाँ पर जो लैब है शुरू हो गई है। गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से सिर्फ अभी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही आए, क्योंकि वर्क यहाँ सैंपल सबसे ज़्यादा ही कलेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कांगड़ा से हमीरपुर से काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अभी क्योंकि हमारे आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, देखे ऊना है, ऊना वाले वो टांडा भेजते हैं, हम अब पीछे पालमपुर भेजते थे जो IHBT है, तो रिपोर्ट थोड़ा लेट आती थी, तो अब ये है कि भी हमारे को रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आ जाया करेगी, और ये खुशी की बात है कि वायरल लैब जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। नहीं अभी कुछ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं 10 तारीख तक शायद 3 तहसील के टेस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो 10 तारीख के बाद पूरे ज़िले के टेस्ट यहाँ पे आएंगे, ज़िले के सैंपल जो है सारे। देखिए हमारे पास जो है चार्ज यहाँ का है, हमारा RPGMC का, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है 20 बेडेड, और भूटा में हमारे पास वो है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है जिसको सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर बोलते हैं, तो वहाँ पर अभी हमारे पास एक्टिव मरीज जो है भूटा में अभी 5 हैं, और समय समय पर जैसे भी आते रहते हैं उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही 10th डे 10 दिन के बाद हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट जैसे ही नेगेटिव आ जाते हैं तो हम उनको घर भेज देते हैं। करीब भोटा में अभी तक करीब 50 पेशेंट आ चुके हैं, जिनमें से हमने करीब 7 पेशेंट रेफ़र किए हैं, बाकी सब स्वस्थ होके घर पहुंच गए हैं।